गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है, और हम पढ़ेंगे इसमें डेली करंट अफेयर। और आज कितनी तारीख है? आज है 27 दिसंबर। हम पढ़ेंगे 26 दिसंबर की डेली करंट अफेयर, ठीक है। इसमें क्या होगा, विश्व बैंक ने क्या हुआ, इसमें पहला पॉइंट है विश्व बैंक द्वारा विश्व बैंक ने किसको, कर्नाटक को विश्व बैंक ने क्या किया, कर्नाटक में चल रही कौन सी, एक योजना है कर्नाटक में शहरी जल आपूर्ति, ठीक है, किसके लिए, विश्व बैंक ने कर्नाटक सरकार को शहरी जल आपूर्ति योजना के तहत शहरी जल आपूर्ति आधुनिकरण, मतलब शहरी जल आपूर्ति आधुनिकरण आधुनिक करण जल योजना अधिकरण परियोजना, ठीक है, क्या किया, इसके तहत किसने, विश्व बैंक ने कर्नाटक को शहरी जल आपूर्ति आधुनिकरण परियोजना के तहत कर्नाटक को कितने 150 मिलियन डॉलर क्या किया, अनुबंध किया, मतलब कर्नाटक सरकार को अतिरिक्त वित्तीय पोषण, मतलब 150 मिलियन का 150 मिलियन डॉलर का इन्हें वित्तीय पोषण किसको दिया, कर्नाटक को दिया, ठीक है, ये वित्तीय पोषण किसको दिया, कर्नाटक को दिया, किसने दिया, विश्व बैंक ने कर्नाटक को 150 मिलियन डॉलर वित्तीय पोषण शहरी जलापूर्ति आधुनिकरण परियोजना के तहत किसको, कर्नाटक को दिया। इसमें तीन शहर हैं, ठीक है, किस कितने तीन शहरों के लिए, हुबली, ठीक है, हुबली घरवाड़ बेलागावी कुलबुगरी सॉरी कल बुगरी कलबुगरी के बाहरी इलाकों में, किसके, हुबली घरवाड़ बेलागावी कलबुगरी, ठीक है, इन शहरों में क्या करेंगे, इनके शहरों के बाहरी इलाकों में, कितने शहर के बाहरी इलाकों में, ठीक है, बाहरी इलाकों में, कहाँ पे, बाहरी इलाकों में विशिष्ट कौन से, विशिष्ट डेमोजोन, विशिष्ट डेमोजोन में क्या किया इन्होंने, विशिष्ट डेमोजोन में ये लगभग कितने, विशिष्ट डेमोजोन में जो लोग रहते हैं कितने कितने रहते हैं, 230,000 लोगों को, कितने 230,000 लोगों को ये क्या करेगा, निरंतर और विश्वसनीय पाइपलाइन जलापूर्ति लाने के लिए, मतलब इनकी, मतलब ये आपूर्ति तो पूरे कर्नाटक के तीन राज्यों में और इसके बाहरी इलाकों में, विशिष्ट डेमोजोन में जो 230,000 लोग रहते हैं उनके लिए, ठीक है, कितना 230,000 लोगों को, और कुछ पैसा तो दिए होंगे, 52 मिलियन डॉलर ये दिए इन लोगों के लिए, क्या दिए कि आप जो इन राज्य के इन तीन शहरों में तो हो गई इस परियोजना में 150 मिलियन इन राज्य के तीन शहरों के लिए तो हो गई, और इसके विशिष्ट जोन में रहने वाले 230,000 लोगों के लिए अलग से, मतलब इसी के पहली किस्त, राज्य को इसकी पहली किस्त दे दी गई, कितनी 52 मिलियन डॉलर की पहली किस्त कर्नाटक सरकार को दे दी गई कि आप इन बाहर के लोगों को, पहले अंदर का तो काम चल ही रहा है, बाहर के लोगों के लिए भी इन्होंने इस चीज़ को दे दिया, ठीक है। एक अभी बुक लॉन्च हुई है,
इस बुक का नाम है द मंक हु ट्रांसफॉर्मेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी बाला भैया, ठीक है, यूपी वाला भाई, ठीक है। इसके तहत और इसमें क्या है, हाउ योगी आदित्य नाथ सॉरी ये नहीं है, इसमें है द मंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाउ योगी आदित्य नाथ चेंज्ड उत्तर प्रदेश, उत्तर चेंज यूपी वाला भैया, ठीक है, ये है, सॉरी यूपी वाला भैया भाई, ठीक है, अब्यूज टू आ अब्यूज टू आ ब्रेक ऑफ होमन, ठीक है, ठीक है। ये एक बुक लॉन्च हुई है द मंक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया यूपी वाला भाई एब्यूज टू आ ब्रिगेड ऑफ हमोन्स, ठीक है। इसके तहत क्या किया, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है, इनका नाम है शांतनु गुप्ता, ठीक है, शांतनु गुप्ता के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। कब लिखी गई है, अभी दिसंबर में लॉन्च हुई है, ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने यूपी योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया है कि मतलब इन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल को बनाया और किस तरह से इनका शासनकाल चल रहा है। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक और लिखी थी योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्या था, द मंक हु बिकम चीफ मिनिस्टर, द मंक लोग उस पुस्तक का नाम लिखी लो, द मंक हु बिकम चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर द डेफिनेटिव द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ एक राजनेता, यात्रा। इस पुस्तक में इन्होंने क्या, द मंक हु बिकम चीफ मिनिस्टर द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ, इसमें एक राजनेता की यात्रा के बारे में, मतलब योगी आदित्यनाथ की राजनेता बनने तक की यात्रा के बारे में इस पुस्तक में शांतनु गुप्ता के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये इनकी पहली, ये दूसरी बुक थी, मतलब ये पहली बुक थी, ये वाली दूसरी बुक थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश को किसने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, किसने, योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है।
तमिलनाडु सरकार द्वारा, किसने? तमिल नाडु सरकार द्वारा इन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु सरकार ने एक अपना राज्य गीत लॉन्च किया। कौन सा राज्य गीत? राज्य गीत, राज्य गान, सॉरी, एक इन्होंने अपना राज्य गान शुरू शुरू किया है, जिसको जिसको क्या नाम है, तमिल थाई बुंजु थू बुज थू, ठीक है। ये इन्होंने अपना राष्ट्रगान घोषित किया है, ठीक है, किसको? तमिल थाई बुजु बुज थू को अपना राष्ट्रगान घोषित किया। यह है एक तमिल में इन्होंने माँ की, अपनी अपने माँ की स्तुति के रूप में गान गाया है, ठीक है, किसकी? माँ के रूप में, स्तुति माँ के रूप में इन्होंने इस गान को गाया है, ठीक है, किसके? माँ के रूप में, माँ के लिए, ठीक है, या माँ के रूप में या माँ के लिए, ठीक है। इस गान में आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, खड़े होने की, इसमें खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं, इस गान को बैठ के भी गाया जा सकता है, उसमें किसी तरह की मतलब नियम और वो नहीं है कि मतलब राष्ट्रगान की तरह जिस तरह गाया जाता है कि खड़े होके एक तरीके से स्टैंड अप स्थिति में, उस तरह की कोई इसमें आवश्यकता नहीं, इसको बैठ कर भी गाया जा सकता है, खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन से? आर एल जल पप, इन्होंने क्या है, दिसंबर में इनका निधन हो गया, ठीक है, इनका केंद्रीय मंत्री आर एल जलपा जप जलपा का निधन हो गया, ठीक है। यह है, ये किसके? कांग्रेस के, 1969 में ये पूर्व सीएम देवराज उर्स के साथ, जेवरात, ये पूर्व सीएम जेवरात उर्स के साथ कर्नाटक के क्रांति रंग के क्रांति रंगा रंगा बनाने के लिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, कौन सी? क्रांति रंगा रंगा के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, छोड़ दी, ठीक है। कब छोड़ी थी? 1979 में, ठीक है। इन्होंने पूर्व सीएम देवराज उर्स के साथ उन्होंने क्रांति रंगा पार्टी बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा से कब, 1978 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1978 नहीं सॉरी 98 में, सॉरी 1998 में इन्होंने दोबारा या पुनः, इन्होंने पुनः कांग्रेस 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 में इन्होंने पुराना 1998 में इन्होंने कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और ये ठीक है, ये और कुछ भी, और इन्होंने कोलार, ये कोलार में देवराज उर्स के साथ उर्स मेडिकल कॉलेज, उर्स मेडिकल कॉलेज के संस्थापक व अध्यक्ष रहे, संस्थापक व अध्यक्ष, ठीक है, कौन रहे? पूर्व केंद्रीय मंत्री आर एल जलपा, ठीक है, जो कि 1979 में इन्होंने पूर्व सीएम देवराज के साथ उन्होंने क्रांति रंगा पार्टी बनाई, जिसके तहत जिसके लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। फिर इन्होंने 1998 में दोबारा से कांग्रेस को अपना लिया, उसके बाद कोलार में ये देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज के संस्थापक और ये अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, कौन रहे? आर एल जलप्पा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। यूपी में 25 दिसंबर को, ठीक है, कहाँ पे? यूपी में, यूपी में 25 दिसंबर दिसंबर 2021 को कौन सी स्मार्ट फ्री स्मार्टफोन फ्री स्मार्टफोन
फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना का शुभारंभ हुआ। कौन सी? यूपी में 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है, ये योजना कहाँ पे? नखलऊ में। नखलऊ में, अभी नखलऊ में, अब ये नखलऊ में, मतलब नखलऊ में इस चीज़ को से नखलऊ से इस चीज़ को स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ की यूपी की क्या है, ये कैपिटल है, इसलिए इसको वहाँ से नखलऊ से स्टार्ट किया गया। इसके बाद ये जनवरी फरवरी तक सभी राज्य के सभी हिस्सों में बांट दिए जाएंगे। कौन से? फ्री स्मार्टफोन। इस फ्री स्मार्टफोन के तहत नखलऊ में 12th के ऊपर या स्नातक के ऊपर के सभी अंतिम वर्ष के छात्रों जैसे कि बीए, एमए, बीटेक, ठीक है, आईटीआई एक्सेट्रा, सभी छात्रों को स्मार्टफोन और लैपटॉप का वितरण किया जाएगा, वो भी फ्री। ठीक है, जो मतलब इन छात्रों में मेरिट के हिसाब से इन बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, 25 दिसंबर से ये योजना शुरू हुई है। इसके तहत सरकार ने और भी लैपटॉप मंगाने के लिए एक कंपनियों को क्या दिया है, वो दिया है, एक तरीके से ठेका दिया है। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और मोस्ट लार्जेस्ट। ठीक है, क्या किया? यह एक टेलीस्कोप है। ठीक है, मतलब एक टेलीस्कोप यानी दूरबीन है। ठीक, क्या है? दूरबीन है। ठीक है, इस दूरबीन को क्या किया गया? 25 दिसंबर को पहले तारे से प्रकाश का पता लगाने के लिए, मतलब पहले तारे से मतलब जो कि तारे होते हैं उनके पहले प्रकाश, मतलब उनके प्रकाश का पता लगाने के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए इस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया? 25 दिसंबर को इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, और यह पता लगाने के लिए, और किसके द्वारा किया गया? नासा द्वारा किया गया। ठीक है, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीग्राफ स्कोप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट से, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट से ठीक है, फ्रांच गुआना से एक यूरोपीय रॉकेट द्वारा। अब ये एक साथ तो ले जाना संभव नहीं होगा ना, इसलिए अलग अलग पार्टों से भेजा गया इसको पूरा। ठीक है, कहाँ से भेजा गया? जेम्स बेस स्पेस टेलीस्कोप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी से फ्रांच गुआना में एक यूरोपीय रॉकेट पर सवार करके इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है कि वेधशाला की, इस वेधशाला की लागत कितनी है? इस वेधशाला की लागत है $10 मिलियन। ठीक है, इस वेधशाला की लागत कितनी है? इस सिर्फ वेधशाला की लागत है $10 बिलियन। और यह कितनी, यह अपने गत किस मतलब अपने रास्ते की ओर, मतलब अपने रास्ते की ओर से, या एक मिलियन, कितना? एक मिलियन
1 मिलियन मील की मतलब क्या करेगा, ये दूरी दिखाएगा कि मतलब 1 मिलियन दूर क्या किस तरीके की संरचना है तारे की, और इसके बारे में मतलब कि किलोमीटर के हिसाब से इसकी होगी 1.6 मिलियन किलोमीटर रेंज इसकी, किलोमीटर ठीक है। इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, मतलब इसको भेजेंगे तो कहीं ना कहीं तो स्थापित किया जाएगा, स्थापित करके फिर इसको जोड़ा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तो पूरी भेज दो, पूरी कोई चीज़ नहीं जाती, इसलिए इसको भेजने के लिए 1 महीने एक महीने का समय लगेगा, और वहाँ पर असेंबल करने में ठीक है, स्पेस में असेंबल करने में ठीक है, जिस दूरी पर ये लोग उसको क्या करना चाहते हैं, इसको लगाना चाहते हैं उस दूरी पर भेजने के लिए इनको 1 महीने का समय लगेगा, और ये उस जगह पर स्थापित करेंगे, और यह स्कोप तारों के संरचना और उनके प्रकाश का पता लगाएगा। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें ठीक है।